गाइस यार लॉस सेंटोस के मौसम को देखो यार, कल मतलब भाई पूरे स्नो हो रही थी, हम लोगों ने रैंप जंप करा था, और आज देखो यार, आज मतलब पूरी धूप निकली और पसीना निकल रहा है यार लिटरली। और भाई कल तो हम लोगों ने रैंप जंप करी थी, उसका अगला ही दिन है। मैंने कल रैंप जंप की थी और मैंने बोला था जो विनर बनेंगे उन लोग को मतलब वो मिले कोई बहुत ही तगड़ा प्राइज मिलेगा, वो प्राइज कोई व्हीकल व्हीकल नहीं होगी, और वो प्राइज मैं दिखाता तो मतलब वीडियो बड़ी हो जाती, तो आज मैं दिखाने वाला हूँ वो प्राइज। और हम लोग के साथ माइकल भी है, मतलब क्योंकि मैं और जीता था और माइकल जीता था, तो मुझे भी मतलब प्राइज मैंने खरीद लिया था, मुझे मैंने भी एक्सप्लोर नहीं करा है, ये तो सुन समझ ही गया होगा कि एक्सप्लोर नहीं करा मतलब कोई बंगला ही है। तो हाँ गाइस ये एक बंगला वो बहुत बड़ा और मतलब भाई बहुत ही तगड़ा आला है भाई, बहुत तगड़ा। मैं अभी जो चलता हूँ जल्दी से, और भाई माइकल चल जल्दी। अरे वैसे माइकल तेरी गाड़ी ले लूँ ना, मतलब छोट मेरी तो ख़राब सी गाड़ी है, उससे जाऊँगा अच्छा नहीं लगेगा यार, तेरी गाड़ी ले लेता हूँ लंबोर्गिनी सेंटोरो। हाँ यार फ्रैंकलिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस देखो माइकल मेरे घर आया था तो ये अपनी तगड़े वाली लंबोर्गिनी सेंटोरो लेके, तो ये हम लोग उससे जाएंगे अपने तगड़े से मेंशन में। गाइस मैं पहुँच नहीं आ ले यार अपने बंगले की तरफ, और भाई हम लोग बंगला काफ़ी अच्छी जगह है, मतलब पास ही में बीच भी है, और मतलब अच्छी जगह यार, मतलब व्यू बहुत तगड़ा मिलता है, मतलब उधर रहने का अलग ही एक फील आता है, पहाड़ों साइड भी हल्का, मतलब उसके सामने पहाड़ भी हैं और मतलब बीच वीच अच्छा बहुत लगता है। तो अभी बस पहुँचने ही आ ले हम लोग, थोड़ी सी यहाँ से दूर है, मतलब थोड़ी क्या लो बस पहुँच ही गए, ये देख सकते हो यहाँ बीच भी है, बस पहुँच गए, ये सामने ही है, यहाँ से अभी नहीं दिख रहा होगा ये देखो गाइस, ये देखो भाई मेरा तगड़ा आला विला, अभी तुम लोगों को हल्का सा दिखा है, मतलब ये देखो ये है आप मेरा तगड़ा वाला विला, कोड लिखा है ये 7709, और ये मैंने एक्सप्लोर एकदम भी नहीं करा है, तो मैं एक्सप्लोर करूँगा और साथ में एक्सप्लोर करवाऊँगा भाई, मतलब एक्सप्लोर अभी करेंगे इसको हम लोग। तो अभी तो पहले अपना गैराज में इसको पार्क कर देते हैं लंबोर्गिनी सेंटोरो, वो एकदम महंगी वाली गाड़ी से हाँ एकदम महंगे विले में, और भाई गैराज तो देख ही सकते हो भाई कितना बड़ा है। अरे यार फ्रैंकलिन ये तो बहुत ही बड़ा गैराज है, हाँ यार माइकल भाई बहुत बड़ा गैराज है यार, हम दोनों के पास काफ़ी गाड़ियाँ हैं, तो यही लिए मैंने बड़ा गैराज भी लिया है, और मतलब और भी काफ़ी जगह यहीं कहीं पार्क कर दो यार, गैराज की ज़रूरत नहीं। और अब देखो ये जो है ना, यहाँ से देखो ये कोई जीना टाइप का है, हाँ यहाँ तो वो है बास्केटबॉल कोर्ट, और इधर बेंच वेंच है बैठ जाओ, और ये तो इधर इधर जीना लगा है, जीने से उतर जाते हैं। और यार माइकल तू कहाँ रह गया, आ जा इधर। अरे यार मैं तो फ्रैंकलिन, तुम चलो यार मैं घूम आऊँगा, ठीक है यार चलो साथ में घूमते तो मज़ा आती, चलो ठीक है तुम घूम आना अपना अलग। और हाँ अब मैं इसको एक्सप्लोर कराता हूँ, देखो हम लोग का पहले देखो हम लोग आउटसाइड का मतलब एक्सप्लोर करेंगे, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, उसके बाद मैं तुम लोग को ड्रोन से व्यू दिखाऊंगा पूरा विले का। तो अभी इधर का तो देख लिया, ये पूल टेबल है, और इधर तरफ चलते हैं, ये बहुत बड़ा है यार, यहाँ तो चलते चलते भाई हालत ख़राब हो जाए, तुमको वॉक पे जाना है तो भाई यहीं वॉकिंग कर लो। और हाँ ये देखो ये भी एक रास्ता है इधर से आने का, और देख ही सकते हो भाई सामने मैंने बोला था बीच भी है, और ये तो सेकंड फ्लोर जाने का रास्ता, इधर देखो एक छोटी सी व्हीकल भी है भाई, इतना बड़ा घर है घूमना तो व्हीकल से घूम लो छोटी सी, और ये तो सेकंड फ्लोर की ये रास्ता, इधर बाउंड्री बाउंड्री है, इधर ये देख सकते हो, ओ ये बढ़िया चीज़ है यार, ये तो पार्क ओइंग के लिए बढ़िया घर है, यहाँ बढ़िया आ जाओ, यहाँ ये सही चीज़ है यार, मतलब बालकनी से इधर आ जाओ। अभी फ़िलहाल यहाँ से नीचे चलते हैं, अभी हम लोग सेकंड फ्लोर बाद में एक्सप्लोर करेंगे, पहले आउटसाइड का कर ले, फिर हम लोग अंदर का करेंगे फर्स्ट फ्लोर, फिर उसके बाद सेकंड फ्लोर। इधर थोड़ा देख ही लेते हैं, आ गए तो इधर ये टेलीस्कोप है, रुक जाओ टेलीस्कोप से देखूँ। अरे यार हाँ
ये देखो यार, सामने इधर बीच है, सामने मतलब बीच यार मुझे याद नहीं आ रही, इधर तरफ होती कि उस तरफ, यहाँ भी तो शायद होती, मुझे याद नहीं आ रहा यार, पता नहीं कहाँ थे, छोड़ो यार। और अभी इधर तो कुछ नहीं है, ऐसे ही फ्लावर व्लावर लगे हैं। और इधर इधर ये क्या है यार, ये क्या भाई, सुसाइड एरिया है क्या कि यहाँ से कूद जाओ इतने गहरे पानी में? से गहरा नहीं है ज़्यादा, यहाँ का नहीं है, थोड़ा आगे का है, काफ़ी गहरा भाई भाई, पर यहाँ को लगा देनी चाहिए यार रेलिंग, लग रहा है कोई वैसा डूब के मरने के लिए सुसाइड एरिया यार, इसलिए होगा डाइव मारने के लिए। वैसे डाइव मारने के लिए तो पूल है, अब ये पूल कितना छोटा है यार, ये पूल में तो मैं पूरा आ भी नहीं पा रहा यार, बच्चों के लिए यार ये पूल तो भाई इतना छोटा है यार, इसमें तो भाई मैं दौड़ ले रहा हूँ यार, इसमें मेरा सर तो आ ही नहीं पा रहा है यार। चलो कोई नहीं, अब चलो उधर चलते हैं, ये वाला पूल देखें, ये वाला पूल भी यार उतना ही है भाई, ये छोटा सा है। और इधर तो सोफे वोफे लगे हैं बैठ के, इधर चिल मारो, और ये तो बीच वाली कुर्सियाँ हैं, यहाँ भी आराम से सो जाओ बढ़िया। और इधर तरफ भी ऐसे ही है डेकोरेशन बैठने का है, इधर तरफ जीना लगा है, रुको इधर चलते हैं। इसके बाद फिर हम लोग अपने आउटसाइड से एक्सप्लोर कर लिया, फिर अब जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, इधर अच्छा ऐसे ही है। और अब फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, अब देखते हैं भाई अपना रूम में, और अब इधर चलते हैं, इधर देखते हैं अपना दरवाज़ा कहाँ है फर्स्ट फ्लोर में जाने का। ये तो खिड़की है, वो ये है देखो मेन गेट, यहाँ से एंटर करते हैं और देखते हैं भाई अंदर का, वो भाई अंदर का तो यार मतलब अलग ही फील आ रही है यार, देख रहे हो भाई मतलब वो फुल, यहाँ तो सब ड्रिंक्स व्रिंक बनाने का है, ये डाइनिंग टेबल है, इधर टीवी भी लगी है। और इधर चलते हैं, और ये क्या है यार, इधर वॉल लगी है ये, और ये देखो मैकडॉनल्ड्स है भाई इधर तो, ये देख सकते हो मैकडॉनल्ड्स, और ये बाथरूम है, बाथरूम भाई ये जो भाई एक चीज़ तो है, मतलब जो भी जितने मैंने देखा है लग्जरी मेंशन मिले जो भी होते हैं उनमें बाथरूम है बहुत छोटे होते, लग्जरी होते बट छोटे होते, पता नहीं क्या है यार। और इधर तो मैकडॉनल्ड्स था, और यहाँ कुछ पेंटिंग्स लगी हैं, ये अभी कहीं खाने वाने का डाइनिंग टेबल वेबल लगी है, और यहाँ ये सब लगा हुआ है यार। और ये देखो भाई अपना फुल मतलब चिल मारने के लिए फुल सोफ़ा, और तो बड़ी टीवी, और इधर गिटार, अरे पियानो, गिटार बोल रहा हूँ, पियानो रखा हुआ है। और यहाँ से तो बाहर का व्यू है, यहाँ डाइनिंग टेबल लगी है। और अब ये फर्स्ट फ्लोर तो शायद हो गया ना पूरा एक्सप्लोर, गाइस अभी थोड़ा सा उस साइड का बचा है, फिर वो ऊपर देखेंगे। ये देखो हाँ बस इतना ही बचा है यहाँ, ये देखो वी बना है, और ये स्विमिंग पूल भी यार बहुत छोटा ही है। और एक और यहाँ गेट लगा है मतलब दरवाज़ा, इससे हम लोग बाहर जा सकते हैं। गाइस यार अब मैं अगर ऐसे ऊपर का फ्लोर एक्सप्लोर कराऊंगा तो यार बहुत देर हो जाए, मतलब बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए वो मैं पार्ट टू में कराऊंगा एक्सप्लोर सेकंड फ्लोर और आउटसाइड का व्यू दूंगा। और तो यार आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं तुम लोग से अगली वीडियो में, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट में पार्ट टू स्पैम कर देना।